अरे इधर लेते हैं ना भाई, बैकग्राउंड में किधर ले रहे हो? बैक पे जाओ अभी। वेट 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 वेट, बाद में आएंगे, अभी स्टेज पे नहीं। या 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 प्लीज कम, बड़े 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 आराम से बैठ के थोड़ी देर बात जा जा जा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोशल डिस्टेंस। वेलकम राखी सावंत बर्थडे गर्ल इवनिंग दोस्तों, शानदार तालियां हो जाए राखी सावंत के लिए। माइंड ब्लोइंग, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको पसंद आया, हम खुश हैं। जी बहुत यार है कि गाना नहीं, राकेश के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ अभी तक पता नहीं ये रोहित शेट्टी क्यों नहीं बन गया, क्योंकि इसमें सारे वो टैलेंट है कि प्रोड्यूसर का इतना फायदा करता है। आप सेट देखिए, करण जौहर के सेट से कम लगे तो मैं नाम बदल दो अपना यार, ऐसे मतलब ये हाँ दिल्ली में इतना बड़ा सेट कैसे करता है वो तो यही जानता है। इसकी बातों में आप समझ लो, मतलब हमको भी बुला के काम करवा ही लेता है कैसे भी, कन्विंसिंग पावर है इसका हर फिल्म में, मुझे लगता ही लेता है। तो तेरे बिना इसकी फिल्म चलेगी नहीं। मैंने खुद कहा था कि आप उनकी लकी चार्म हो, तो लकी चार्म को कोई कैसे बोल सकता है, जैसे आप ये तमंचा के बाकी जैसी बहन ऊपर वाला सबको दे, बहुत इसके साथ हमेशा खड़ी रहती है खाई की तरह, बहुत बड़ी बात है राकेश, बहुत बड़ी बात। और एक बात है राकेश में तो बहुत दोस्त है, इंडिया रिलीज है, ये कितना बड़ा धमाका करने वाला है। मेरे पास रियली में मजाक नहीं, तो आई हैव अ कोरोना वैक्सीन। मेरा नमस्कार, मेरे पास है कोरोना वैक्सीन, मीडिया के लोग आए उनको मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच आने के लिए। राखी जी आई है, कौन सा वैक्सीन है, कहां से मिला? प्लेजर के आज उनके जन्मदिन पे उसके बारे में डिटेल्स में बात करना क्या हो सकती है, क्योंकि जन्मदिन पे मेरी फिल्म का म्यूजिक मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। उदयपुर जयपुर में कालस पे शूट करना, इतने सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करके एक फिल्म बनाना इट्स नॉट इजी, बहुत टफ रहा। एंड लॉकडाउन के बाद आज ये फिल्म 27 को पर्दे पे आ रही है, करीब 800 सर हॉरर से मुझे एक चीज याद है, हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई हॉरर इंसिडेंट होता है, कभी आपने रियलिटी में ये हॉरर एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ है, फील किया हुआ है? बस हो गया, उनका ले लो प्लीज इंटरव्यू। अरे वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ जा रही हूँ मैं, तो आऊंगी यार, मैं कहाँ जा रही हूँ। That's the birthday girl, what do you mean, you can say, looking gorgeous in that. राखी मैम इधर, द होल मीडिया इज डन, द क्राउड इज डन, और दोस्तों क्या कहूं, उनकी मूवी भी आ गई है विनाश काल, और ये 2020 का धमाका है। एंड फाइनली शी इज कमिंग ऑन, पीछे 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 वो भाई, पीछे पीछे पीछे, अरे आ रहे ना भाई, पीछे पीछे रे भाई। ये बताऊं एक किस्सा, ये मूवी में एक गाना था जिसका नाम था बेवफा आइटम, लेकिन सेंसर ने, क्योंकि राखी ने आइटम का पेटेंट कर लिया, तो बोला आइटम बेवफा के साथ तो शूट नहीं होता, राखी कभी बेवफा हो ही नहीं सकती, तो आइटम शब्द जरा आप निकाल लीजिए, तो बेवफा आइटम से आइटम निकल गया, बेवफा रह गया, क्योंकि आइटम तो क्वीन एक ही हो सकती है बॉलीवुड की, दैट इज नन अदर देन राखी सावंत, एंड शी इज द बर्थडे क्वीन। और राखी अभी जस्ट आई जस 18 साल की थी, ये साल 19 साल की हो गई, देखिए कितनी यंग लग रही है, डायनामिक लग रही है, इनको हॉट बोलू ब्यूटीफुल बोलू ऐसे डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, जो गॉर्जियस बोलू सेंशुअल बोलू ऐसा कोई है नहीं शब्द जो इनको मैच, ये इतनी डायनामिक है, आज की ये लाइट भी ठीक ही लग रही है इनके सामने, कितना क्लोज में खड़ा है, क्या बात है राखी जी, तो क्लोज में नहीं खड़ा, अब इधर मत सर,
राखी जी हम आपको थोड़ी देर के बाद बुलाएंगे, मूवी के बारे में बात करेंगे, यस बेवफा के बारे में बात करेंगे और आपके जो पार्टनर थे बेवफा में एजाज खान उनके बारे में बात करेंगे। रवि बहुत भागे तुम है। अरे किशन वादे भाई आपका बेवफा देखा, कड़क गाना था भाई, एक नंबर। अरे आपको भी दिखाएंगे, पहले आज बर्थडे क्वीन के लिए क्या मैसेज है। राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस और डांसर है उससे अच्छी इंसान है। तो एक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, डांसर भी अच्छे होते हैं, इंसान अच्छा होना जरूरी है। दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी इंसान है, ये मैं कहूँगा राखी के लिए। क्या बात है। और भाई मैंने राकेश जी को एक चीज पूछी थी कि दो एटम बॉम्ब, एक तो ये है न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो झांग गिरे खत्म पूरा दुनिया, और एक आप ओरिजिनल एक नंबर जिसने बिग बॉस को जो हिलाया था ऐसे खेल ही रहा है, टोप है देखा। तो ये दो एटम बॉम्ब को एक गाने में कैसे मतलब किया। ये राकेश ने एक दिन फोन किया, एक गाना भेजता हूँ सुन ले राखी। और आइए राखी जी आप ही आ जाइए प्लीज आइए। तो मैंने गाना सुना, आपने देखा होगा, मैं अभी गाना अच्छा लगा मुझे। और राखी थी तो नंबर वन आइटम गर्ल तो यही है यार, बेवफा आइटम, कितने दिल तोड़े राखी तूने। सर लेकिन आपको पता है सेंसर ने आइटम शब्द निकाल दिया, खाली बेवफा रह गया। आइटम है ना अंदर। क्या बात कर रहे हो, वो बोलते हैं कि आइटम का पेटेंट तो राखी जी ने ले लिया है। गाने में नहीं है अभी तक चार लोग बैठ के पूरा हिंदुस्तान क्या देखना चाह रहा है वो डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ये गलत है यार। लेकिन जो थिएटर में है वो एज इट इज आइटम सॉन्ग रहेगा और आइटम वर्ड रहेगा। ये सिर्फ ट्रेलर के लिए था, जो थिएटर का ट्रेलर है उसमें यूए करने के लिए उन्होंने आइटम बोला कि निकालने के लिए, लेकिन आइटम निकल नहीं सकती क्योंकि दोनों बेस्ट आइटम है, एजाज और राखी फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हैं आप गाना, भाई साहब हेलो वीडियो वाले, गाना लगाओ। तो और एक बार राखी और एजाज भाई फिर से देखेंगे गाना, सेम आइटम सॉन्ग वाला। हाँ तो उसके बाद बात करते हैं। या फिर से और एक बार देखिएगा गाना। हाँ बोल नहीं वो अभी चालू है एजाज भाई, लेकिन एक आपके अंदाज में आपने अभी तक राखी को विश नहीं किया। राखी को 19 साल की हो गई, 18 साल की थी जब ये गाना शूट कर रही थी, अभी 19 साल की हो गई। 19 की हो गई राखी। राखी को मैं क्या विश करूं, मतलब एक शेर अर्ज कर दो एजाज भाई। अच्छा आप बोलो तो मैं अर्ज करूं, एक आप करो उसके बाद हम। ठीक है पहले तुम करो। राखी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो। चांद सा चेहरा तेरा, चांद सा चेहरा तेरा जिसपे ये दिल आ गया, लोग कहे तू लगे चांद का टुकड़ा, मैं कहूँ खुद चांद है टुकड़ा तेरा। क्या बात है, इसके टुकड़ों में कि टुकड़ों टुकड़ों में मुझसे रोज मिलने वाले सुन, अगर जेब में नोट नहीं है तो कोई ख्वाब ना बुन। क्या बात है, एक नंबर तो शायर भी हो गया अभी। या welcome welcome please ajay ajay sony bhai please welcome I would like to call upon my music director sayed ahmed please come please, please yaar wo dono singer aaye ki nahi hai are apna singer hai please welcome sir bhai laga ke ye sare gaane sayed bhai lapiroye hain filhal bahut acha music diya yaar sayed bhai mind blowing music matlab झूमेंगे लोग बोलना चाहिए। जो लड़की की तारीफ आपने करी है दिल से लगता है आपके साथ ये हुआ है। आपके साथ हुआ है लगता है, ये बहुत लूटी है आपको लड़कियों ने। माइंड ब्लोइंग आज का जो माहौल है बिल्कुल
राइटर ने दर्शा दिया है मेरे शब्दों में, मैं जो मतलब समझ रहे हो ना, नोट वालों से प्यार करती है, नोट है तो वोट है भाई। आजकल गरीब से कोई, पहले के जमाने में 80s में 90s में गरीब हीरो होता था, देखो तुम, अब हीरो गरीब नहीं होते। आइए ना स्टेज पे, आइए ना भाई। भाई गाना कैसा लगा? एक नंबर, बेवफा आइटम, प्लीज वेलकम रनर, माइंड ब्लोइंग। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको पसंद आया, हम खुश हैं। गाना नहीं, राकेश के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ अभी तक पता नहीं ये रोहित शेट्टी क्यों नहीं बन गया, क्योंकि इसमें सारे वो टैलेंट है कि प्रोड्यूसर का इतना फायदा करता है। आप सेट देखिए, करण जौहर के सेट से कम लगे तो मैं नाम बदल दो अपना यार, ऐसे मतलब ये, हाँ दिल्ली में इतना बड़ा सेट कैसे करता है वो तो यही जानता है, इसकी बातों में आप समझ लो, मतलब हमको भी बुला के काम करवा ही लेता है कैसे भी, कन्विंसिंग पावर है इसका। हाँ तू तेरे बिना इसकी फिल्म चलेगी नहीं। उन्होंने खुद कहा था कि आप उनकी लकी चाम हो, तो लकी चाम को कोई कैसे भूल सकता है, जैसे आप ये तमंचा के लिए बहन ऊपर वाला सबको दे, बहुत इसके साथ हमेशा खड़ी रहती है भाई की तरह, बहुत बड़ी बात है राकेश, बहुत बड़ी बात। और एक बात है राकेश में, तो बहुत दोस्त है, दोस्तों मुझे रियली ये बहुत दुख हो रहा है कहने के कि फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ किसी का षड्यंत्र है या ड्रग व्रग को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, बहुत गलत बात है ये। नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, शिवा को लेकर आना, कौन जी आ गई, समीर को अच्छा भाई मेरे को तो नहीं पकड़ेंगे, मैं तो कभी नहीं करती बाबा, मैं तो हाय भाई मैं तो कभी नहीं करती भाई, मैं तो कभी नहीं करती, छोड़ना ये बात ही मत कर, मैं तो खुद सुनना, मैं खुद एक जिंदा ड्रग हूँ, ये तो सही हिल्स पहन के आई है, मैं तो दिखी नहीं रही हूँ। अच्छा पूरे करीब 7-8 महीने लगे फिल्म बनाने में लॉकडाउन में, और बहुत ही थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ राखी जी का कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया इस फिल्म को आइटम सॉन्ग में और एजाज के साथ करने का मौका मिला, ये कुछ अलग आइटम सॉन्ग है। कोरोना में गाना कराया इसने, कोरोना में कर लिया गाना, और आज आप लोगों ने देखा है गाना और सब लोग पसंद कर रहे हैं, स्पेशली राखी जी और एजाज भाई, जब आर्टिस्ट बोलता है ना कि हाँ ये गाना कड़क है, ये गाना अच्छा है, एक नंबर है, उसी से एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और सारे लोग भी तालियां बजा रहे हैं, और हो सकता है कि यही चीज़ थिएटर में भी हो। बेवफा आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा है, और उसमें एक्चुअली सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, नूपुर एजाज सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, मुमायत खान डेफिनेटली उनका भी गाना एकदम हॉट है इसमें, और बेसिकली फिल्म के लिए क्या चाहिए, यू नो इट्स इट्स लाइक राइस प्लेट, हीरोइन है, तड़का है, मसाला है, रेप है, आइटम सॉन्ग्स है, मर्डर है, मतलब फिल्म्स में इट्स एंटरटेनमेंट, ऊपर से भूत है, ऊपर से भूत भी है। सो ओके देखिए मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग व्रग का मामला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सडनली छापे मारे जाते हैं, ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टीप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा। बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर वन कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है, और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है,
मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है, उनके घर में किसी ने रखा है चुपचाप, बार पीछे से फ़ोन कर दिया है। सो ये षड्यंत्र है और उन्होंने कबूल किया है, तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी वो, हाँ जो हमारी एजेंसी एनसीबी वो अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ सबको, एक एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो, जैसे कोरोना का चेक हो गया वैसे मुझे लगता है कि विनाशकाल दिखाओ। हाँ सबको विनाश, हाँ सबको विनाशकाल दिखाओ और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया है वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा। फिल्म के बारे में पूछो भाई, फिल्म के बारे में और कोई पूछना चाह रहा है? एजाज भाई, एजाज को बुला लो। एजाज भाई, थैंक यू थैंक यू। रुको पर एक सेकंड ना, मैं कर लूं। वन सेकंड, मेरा मास्क अटक गया, बाप रे। सो सफोकेशन, मास्क में सांस लेने भी नहीं हो रहा है। मास्क पहनूं क्या? अच्छा माइक में तो कुछ नहीं है ना, इसके अंदर से तो कुछ निकलेगा तो नहीं। ओके थैंक यू सो मच। विनाश काल, कोरोना काल के बाद विनाश काल, ओ माय गॉड, 7-8 महीने हम लोग कैसे घर में लॉकडाउन में बैठे हैं और जान बच गई, लाखों पाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें बहुत गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, मोदी जी पर, कि उन्होंने कैसे एंटरटेन कर करके भी हम लोगों को कैसे हमारी जान बचाई, हमको घर में रखा, घर में बिठाया। और आई सल्यूट, रियली सल्यूट माय ब्रदर राकेश के ऐसे हालात में भी, लॉकडाउन से पहले थोड़ी फिल्म स्टार्ट ही हुई थी और कैसे लॉकडाउन के बाद भी राकेश ने ये फिल्म कैसे कंप्लीट करी, आई रियली डोंट नो। और लॉकडाउन से पहले ही मेरा गाना हो गया था, मतलब आई वॉज नॉट वेल, बट स्टिल ये जो बेवफा आइटम जो सॉन्ग है वो गाना हो गया मेरा जैसे तैसे भी। और जैसे मैं वहाँ से आई, मुंबई से, दिल्ली से मुंबई आई और लॉकडाउन हो गया, ओ माई गॉड, उसके बाद आई वॉज शॉक्ड कि अरे सारी, वैसे हमारी फिल्में नहीं, सभी सारी फिल्में बंद हो गई। और फाइनली बहुत अच्छी फिल्म बनाई है राकेश ने, बहुत ही हॉरर है ये। प्रोस्थेटिक जो मेकअप है उस पर मत जाना, कोई प्रोस्थेटिक नहीं है, वो इसमें आत्माएं होती, जो जो रियलिटी है, इंसान रियलिटी पे ही फिल्में बनाता है। इट्स अ हॉरर का बाप दिस मूवी, विनाश काल, कोरोना काल के बाद विनाश काल। एंड मेरा एक अच्छा आइटम सॉन्ग है मेरा एजाज खान का, नूपुर इसमें एक्ट्रेस है मेन लीड, फिर मुमायत खान है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फाइनली देखिए बहुत मुश्किल होता है फिल्म बनाना, इट्स नॉट इजी फिल्म बना के रिलीज़ करना। हम लोग बहुत लकी रहे हैं बॉलीवुड में कि हमारी फिल्म, चाहे छोटी हो फिल्म, फिर भी हमारी फिल्म बन के रिलीज़ हो जाती है, हम लोगों को थिएटर मिल जाते हैं एंड OTT पे भी रिलीज़ हो रही है। तो आई होप के लोगों को ये मेरा गाना बहुत पसंद आएगा और ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने सुना है 6 गाने हैं, 6 रेप है, 14 मर्डर है। सो इट्स टोटली एंटरटेनमेंट, बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट। राखी जी, अगर हम बात करें एजाज के साथ आपने काम किया है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी एजाज खान है, इसके कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा एजाज खान के साथ काम करके, बहुत अच्छे इज़ अ अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छे ह्यूमन बीइंग है और अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, तो देन आई डिसाइडेड कि चलो सेलिब्रेट करते हैं जब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो उसके साथ में मेरा बर्थडे। सो मैंने कहा चलो मास्क पहन के चलेंगे, जब मास्क पहन के चलेंगे तो कोई रिस्क है नहीं, यू नो, और हम हाथ भी नहीं मिला रहे, सबसे ऐसे ऐसे कर रहे दूर से, हेलो हेलो हेलो।
सो जैसे हमारे हेल्थ मंत्री जी ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और मैंने ऐसे गेटअप में भी मास्क लिटरली पहन रही हूँ, मैं सांस लेने नहीं हो रहा है, सांस मेरी यू नो घुट रही है इसमें, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाने से बेटर ही है कि मैं यू नो ये मास्क पहन लूँ। नहीं, हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, तो हम लोगों ने सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नहीं, सलमान खान जी सिर्फ बड़ी फिल्मों को ही प्रमोट करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो छोटी फिल्मों को प्रमोट करेंगे। बट ठीक है, 1000 थिएटर मिले हैं, वो भी काफ़ी है छोटे फिल्म के लिए। और ऐसा नहीं है, सलमान जी को अगर मैं कहूँगी तो भी वो ज़रूर बुलाएंगे। बट इस बार मुझे बिग बॉस में जाना था, बट माय मॉम वाज नॉट वेल, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, शी वाज इन द हॉस्पिटल, सो मैं नहीं जा पाई। हाँ, शी इज़ फाइन, द गॉड ऑफ ग्रेस, शी इज़ टोटली फाइन। एंड अभी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं कि कब कौन कहाँ कैसे बीमार हो जाए, कुछ पता नहीं है। एंड मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि एक कोरोना चला गया था, फिर से दिवाली के बाद आ गया, क्योंकि लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल फेस मास्क नहीं लगाए ये लोग एकदम। सब लोग दिल्ली में हो या कहीं पे भी हो, मुंबई में हो, सब लोग रोड पे कहीं पे भी थूकते हैं और मास्क नहीं लगाते। इनको लगता मुझे नहीं होगा कोरोना, क्यों भाई, कोरोना तुम्हारा चाचा है क्या जो तुम्हें नहीं होगा? ऐसा मत करो, अमीर हो या गरीब हो, कोरोना हर किसी को हो सकता है। एंड सिर्फ मेरे अकेली के पास ही कोरोना का वैक्सीन है और किसी के पास नहीं है। क्या कहना है? हाँ हाँ भाई, मेरा भाई है, भाई जैसे नहीं है, वो मेरा भाई है। और ऐसी हालत में मैं तो कहीं पार्टी में नहीं जा रही थी या कहीं कुछ नहीं कर रही थी, बट उन्हें फ़िल्म रिलीज़ करनी थी, नसीब से उनको अभी कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो हमारी छोटी फिल्म को थिएटर मिल गए। अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती तो शायद हम लोगों को थिएटर नहीं मिलते, तो ये मौके पर हमने चौका छक्का मारा है। तो भले ऐसे हालात में ही से जब लोग रोड पे घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम फिल्म रिलीज़ करें। डेफिनेटली, देखिए फिल्म का तो कोई पता नहीं है कि कब कौन सी फिल्म चल जा चुकी, यहाँ पे छोटी फिल्म भी चल सकती है और लाखों करोड़ों की बड़ी बड़ी मिलियंस की फिल्म भी नहीं चल सकती है, यू नेवर नो। बट आई थिंक लोग फिल्म देखेंगे, इट्स एंटरटेनमेंट, एक्चुअली कोई भी फिल्म होती है वो एंटरटेनमेंट ही होती है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे अजय जी हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी एक बंदा इस फिल्म को थिएटर में अकेले बैठ के देखेगा, बिकॉज इट्स अ हॉरर का बाप, उसे 1,00,000 रुपये का इनाम मिलेगा। हमारे अजय जी जो है उन्होंने कहा है। राकेश आजा नहीं, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है भाई। देखो क्या है भाई, के क्रांतिकारी बनने में नुकसान बड़े है। अभी क्या है, मैं और राखी बिंदास बोलते हैं, धीरे धीरे अब हमारे फैन भी बन गए। देखो कंगना रनावत ये सब भी हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे फैंस भी बहुत ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फैन है कंगना रनावत। हम अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो हम किसी का खा के नहीं खोद रहे, यू नो इंडस्ट्री हमारी है, हमको इंडस्ट्री ने बहुत काम दिया, बहुत इज्जत दी, हम आउटसाइडर है, सेम कंगना को भी दी। लेकिन कंगना क्या कर रही है, सिर्फ वो अच्छी है और पूरा बॉलीवुड की लड़कियां खराब है, पूरा बॉलीवुड खराब है, पूरा बॉलीवुड गटर है, गटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, गलत। मतलब जिस गटर की आप कीड़ी हो, आप समझ रही हो, आपको थोड़ी इज्जत वहीं मिली, बाकी तो आप वहीं रहती गांव में। एंड आई लव माय मुंबई। देखो भाई, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। ज्यादा सच भी अच्छा नहीं है मेरे भाई, पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम फिर है। वही तो है कि नहीं, एकदम। राकेश सर के बारे में, राखी मैम के बारे में
जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मज़ा आया, एक परिवार की तरह था पूरा माहौल, और राकेश बहुत ही कोऑपरेटिव हैं अपने काम में और बहुत ज़्यादा मेहनती है। राकेश सबसे पहले पूरी यूनिट में डायरेक्टर होने के बावजूद भी सबसे पहले ये उठते थे, फिर पूरे यूनिट को उठाते थे और सबसे लास्ट में यही सोते थे, और पूरे दिन काम करना। मुझे याद है हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे, वो बाइक वाला, बेपना चाहता हूँ मैं बेपना, आप देखेंगे अभी गाने, तो उसमें बाइक मेरे को पैर पे लग गई थी और मेरा पूरा पूरा पैर जल गया था, और नेक्स्ट डे हमको स्विमिंग पूल का सीन करना था और डॉक्टर ने मना किया था कि आप जले हुए पैर से पानी से दूर रहिए, पर फिर भी हमने किया और बहुत अच्छा वो शूट हुआ। जो सांसों में जो सॉन्ग है, सांसों में भी अभी आप देखेंगे, बहुत गाने तो बेमिसाल हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं। तो हमने कोऑपरेट किया, कुछ सबने कोऑपरेट किया, एक टीम वर्क की तरह काम किया, बहुत अच्छा। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, क्योंकि एक मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा पैर जल चुका था क्योंकि वो साइलेंसर है बुलेट का। ओह माय गॉड। एंड सेकंड डे शूट करा था स्विमिंग पूल में, एंड अगर दूसरी कोई हीरोइन होती तो नहीं करती, डेफिनेटली कोई नहीं करता, कि डॉक्टर ने कहा था कि यू कैन नॉट शूट। इवन देन नुपुर ने पूरी ईमानदारी से उस फिल्म को कम्प्लीट किया, क्योंकि हमारा शेड्यूल था, पूरी यूनिट थी वहाँ पर आउटडोर में, एंड फाइनली आज आपने ये जो गाना दिखा है, सबकी हार्डवर्क है नुपुर, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू राखी। देखिए मेरे हिसाब से कंगना की ये बात इन पर्टिकुलर बहुत गंदी थी कि बॉलीवुड को उसने गटर कहा, ठीक है, बॉम्बे आके उसको दौलत शोहरत इज्जत और नाम पैसे काम सब कुछ मिला, और आज भी वो कर ही रही हैं काम, आज भी जनता उनकी फिल्में पसंद कर ही रही हैं, जो उनकी लास्ट मनी करने का आई थी उसको भी पसंद किया गया। मुझे लगता है कि वो सबको बदनाम करके अपना नाम कैसे कर सकती है, इट्स नॉट गुड। गलत है ये बात, ये जनता को समझ में आना चाहिए, गलत है। और लोगों के नाम लेना, देखिए हम मीडिया में बहुत आ चुके हैं, मीडिया से रोज़ हमारा नाता पाला बनता है, आप मीडिया के सामने किसी लोगों के नाम नहीं ले सकते जब तक ये बात प्रूव नहीं हो सकती। नाम लेना जांच केंद्रों का काम है, सीबीआई का काम है, एनसीबी का काम है, आप अपने हिस्से से लोगों के नाम लेके उनको बदनाम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये गटर वाली बात बहुत गलत थी, जिसका जवाब जया जी ने दिया भी कि जिस बहुत मुँह तोड़ जवाब दिया जया जी, जिस थाली में खाते हैं वहीं पर छेद करते हैं, तो ये तो बात सरासर गलत है। बाकी उनके साथ जो भी हुआ, उनका ऑफिस टूटा ये वो, तो अब वो भी गलत था। मैं खुद ने क्या किया था इंडस्ट्री में, नहीं वो इलीगल था, उनका जो उन्होंने भी तो किया था ना, उनका जो ये कमेंट था वो बिल्कुल ही सरासर गलत था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राकेश जी, एक फोटो, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक अनाउंसमेंट है, बाकी में 0194 हेलो चलो, जैसे भी लॉकडाउन में आपकी फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस राकेश जी के साथ काम करने के लिए, आपने आइटम सॉन्ग कर लिया? हाँ, ये मैंने राखी के साथ पहली फिल्म भी मेरी पथ, मैं शरद कपूर, हैदर काजमी, शिवराम यादव की फिल्म थी, काफ़ी फिल्में करी हमने। हाँ, हमने साथ में बहुत काम किया है। राकेश भाई है मेरा, उसने फ़ोन किया, गाना भेजा, बहुत अच्छा गाना था, राखी थी साथ में, तो गाना देखा ही तूने कैसा गाना है, तो कर दिया मैंने और बहुत अच्छे शूट हुआ है। ये गाना हमने सबसे पहले किया, उसके बाद कोरोना आया, गाना शूट किया हम लोगों ने, नहीं तो इसमें मेरा भी रोल था। लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन हो गया। ओके, मैम आप कुछ बताना चाहेंगे, एजाज सर के साथ आप लोगों ने काम किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जब मुझे राकेश ने फ़ोन किया फिल्म के लिए, तो मैंने गाने सुने, गाने बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे म्यूजिकल गाने हैं, बहुत रोमांटिक गाने हैं, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, साउथ के भी कलाकार हैं, शी इज़ लुकिंग हॉट, और थैंक यू। और राखी और एजाज का आइटम नंबर तो बहुत ही फेमस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। हमने शूटिंग भी बाहर ही करी थी, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ का फोर्ट कितना फेमस हुआ था एक और फिल्म के लिए, तो बहुत अच्छा पूरा टीम वर्क था, एक फैमिली लाइक एक्सपीरियंस था, और बहुत मज़ा आया काम करके, आपको फिल्म देख के भी उतना ही मज़ा आएगा। एजाज जी, फिल्म की प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो
प्रमोशन आप करने वाले, कुछ कम समय रह गया यार। एक प्रमोशन ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया पावर है, राखी के इतने फैंस हैं मेरे, है नुपुर जी के, और जितने साउथ के भी बहुत सारे इसमें स्टार्स हैं उनके हैं। और क्या अच्छी चीज़ होती है, गाना अच्छा होता है ऑटोमेटिक लोग पकड़ लेते हैं, और पब्लिसिटी अच्छी कर रहा है, पोस्टर होर्डिंग लगवा रहा है पूरे इंडिया में, और मेहनत की है तो काम लोगों को देखना चाहिए। और लोगों के पास देखने को कुछ बचा ही नहीं है यार, सब देख लिया लॉकडाउन में लोगों ने, दे वॉन्ट न्यू थिंग्स। एक ही वर्ड है, एक नंबर। He is a very good human being, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत मजा आया क्योंकि गाना ऐसा था कि पहला गाना जिसमें राखी के अल्फाज नहीं है, और शीशर के ऐसा चाहिए कैरेक्टर जो इस गाने को एकदम उठा दे। तो मेरे और राखी ने कहा कि एजाज, आज के टाइम पे ये गाना सिर्फ एजाज का है, और अगर एजाज आ जाए और हम दोनों मिलके ऐसा फाड़ देंगे गाना। और आपने जो देखा है, एक्सेलेंट जॉब किया है दोनों ने, एंड स्पेशली राखी 104 भुकार में, हाँ क्या डांस किया है। मैं रियली थैंकफुल कि अगर हम उस टाइम नहीं करते शायद वो लोकेशन नहीं मिलती जो हमें मिली है। ग्रेटफुल टू राखी के वो परफॉर्मेंस किया और वो हार्ड वर्क। और नहीं, मैंने एजाज को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मैं और एजाज हम लोग एक शो करने गए थे, वहाँ पर सारी पब्लिक एजाज को देख कर पागल हो गई थी, 1.5 साल पहले की बात है। और ओ माई गॉड, वहाँ पर तो कहाँ गए थे, उधर कुछ तो दिल्ली के आगे, हाँ बहुत मुरादाबाद, हाँ मुरादाबाद नहीं पता नहीं मुरादाबाद या कुछ, ठंडी कितनी थी, पुलिस वाली लेडीज सब ठंडी होती है, हाँ पता नहीं। हम लोग गए थे शो करने, इतने पब्लिक पागल हो गए घेर लिए वहाँ पे सबने, एजाज खान को, एजाज खान भी अपना जोश में आके शर्ट वर्ट उतार दिया तो एकदम, सिर्फ लेडीज पुलिस ने घेरा, देखो ये डायरेक्टर के हाथ में है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में, अभी वो जैसा प्रमोट करेंगे उस पर वो वैसा है। सलमान भाई तो मेरी हर चीज़ प्रमोट कर ही देते हैं, आप देखते ही हो। हाँ पता नहीं, वो राजकुमार, हाँ एक मिनट एक मिनट। एजाज से और कोई क्वेश्चंस, और नुपुर से और कोई क्वेश्चंस, सोलो एनी क्वेश्चंस फॉर नुपुर एंड एजाज। थैंक यू। राखी जी, राखी जी, सोलो सबके नुपुर मैम यहाँ पे, मैम राइट में, राइट में, ऐसा बोलना पूरा लगा क्या सिंगल लोग सर यहाँ पे राइट एजेंडा यहाँ पे क्या नुपुर जी क्या सेंटर लोग ओके थैंक यू एजेंडा भाई सोलो यहाँ पे एजेंडा यहाँ पे
यहाँ पे एजाज भाई एक नंबर बोलो एक नंबर अभी हम मोहम्मद जी कमांड से मोहम्मद जी नुपुर जी आप भी राखी जी को आशीर्वाद दे दीजिए क्या बात है जी आप भी केक खिला दीजिए नुपुर जी आप जाइए आज 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 राखी डाइटिंग पे है अरे सेल्फी वाला भी खींचा रहा है Thank you. Request only the star cast and choreographer, please. Only star cast and choreographer, please. Yeah, please. Only star cast and choreographer. Sir, watch out. Ajo. Star cast. खाली साथ बीच में आओ ना इजाज़ भाई बीच में सब मैं कराने का तुम लोग खाली बटन दबाओ अरे ठीक है यार इतना डायरेक्शन मत करो इजाज़ भाई सामने देखिए सर फिर से काटेंगे हम एक फिर से काटेंगे अरे अभी कोई पीछे पीछे नहीं अभी खड़े रहो जी रहे हो ए तू पीछे हाथ मत डाल अभी अरे सब लोग मास्क पहन के आओ बाबा चलो मास्क के बगैर तो
अपना पकड़ा नहीं इधर भेज दिया सॉरी सॉरी सर आप हैप्पी बर्थडे टू मी सर के आशीर्वाद से क्या बात है अंडा खा ली सर क्या आंसर खा लिया क्या करूं मैं अब सर को सर नहीं सर अरे वाइट ले लो ना सर से सर 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 वाइट ले लो चलो थैंक यू चलो हो गया चलो बाय बाय पैकअप ड्रिंक एंड डिनर स्टार्टेड फॉर मीडिया पीपल एवरीवन चल भाई पैकअप कर ड्रिंक राजा तेरे लिए बोला और ये जोरदार तालियां लेते रहे उसने चला भी दिया जल गया सर अरे बाहर भी चढ़ गया जोरदार तालियां विनाश काल म्यूजिक लॉन्च अरे रवि भाई आगे नहीं आ रहे अरे वो जो सेल्फी वाले के हाथ में दे दे जिनका पूरे देश भर में डैशिंग लेडी के माध्यम से नाम है और जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो संघर्षित पार्टी है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली जो मेरी पार्टी आरपीआई है बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार लेकर सभी जाति धर्म को जोड़ने वाली जो मेरी पार्टी है उस पार्टी की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट महिला विंग की हमारी राखी सावंत जी है तो वहाँ तो बैठे है जॉकी मेरे बाजू में बैठी है राखी तो आज राखी का जन्मदिन है और इसी अवसर पर उनके भाई राकेश सावंत जी जिन्होंने विनाश का नाम की फिल्म बनाई है हाँ तो आज जो मतलब पूरे देश भर में 1000 थिएटर में ये फिल्म रिलीज हो रही है और कोरोना के कार्यकाल में लॉकडाउन में जो अपनी हालत हुई थी उसने इन्होंने मतलब शूटिंग किया और ये फिल्म अभी आज पूरे देश भर में रिलीज हो रही है और राखी सावंत जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये फिल्म पूरी देश भर में रिलीज हो रही है मतलब मैं सभी लोगों को पूछ रहा हूँ आपका हाथ मैं आप सभी लोगों को पूछ रहा हूँ आपका हाल क्योंकि आज फिल्म रिलीज हो रही है नमस्कार क्या बात है
मैं जरूर फैला दूंगा कोरोना पर जा मैं जरूर फैला दूंगा कोरोना पर जाल और मैं बर्बाद कर दूंगा उनका हाथ। क्या बात है। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि राखी सावंत इनाम पूरे देश भर में मुंबई में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मशहूर है और राखी सावंत जी के मेरे संबंध कई सालों से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आज मैं मुंबई में था और राखी सावंत जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि राखी जी आप जीवो हजारों साल, आप जीवो हजारों साल लेकिन कमाओ थोड़ा थोड़ा माल। आप जीवो हजारों साल लेकिन कमाओ थोड़ा थोड़ा माल। मैं आपके साथ हूँ और आपको कोई डरने की बात नहीं है। ये आज यहाँ अंधेरी में यहाँ आपका जन्म दिवस हो रहा है, आप सभी लोग यहाँ आए हैं और विनाश काल के जो फिल्म एक्टर है एजाज खान, नुपुर मेहता, हाँ नुपुर मेहता और नुपुर मेहता जो फिल्म अभिनेत्री है, तो उनकी उपस्थिति में, राखी सावंत जी की उपस्थिति में, राकेश सावंत जी के उपस्थिति में ये फिल्म आज पूरे देश भर में रिलीज हो रही है। इसलिए जरूर जो विनाश काल है, विनाश काल फिल्म बहुत अच्छी तरह चलेगी और मतलब अच्छा बिजनेस भी करेगी और दूसरी फिल्म बनाने के लिए राकेश सावंत जी को मौका मिलेगा। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मतलब जिस तरह आपने आपको मालूम है कि उनके पिताजी पुलिस में थे, मुंबई पुलिस में थे, तो वो तो पहनते थे खाकी, इनके पिताजी पहनते थे खाकी, इसीलिए उन्होंने नाम इनका रखा खाकी। तो एक बहुत बड़े अपने सर्वसामान्य फैमिली से राखी सावंत आई, उन्होंने अपना नाम कमाया और मुझे हर रोज बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं कि वह राखी सावंत आपकी पार्टी में है। मैं बोला कि मेरे पार्टी में इसीलिए तुम्हारी पार्टी में नहीं तो इसीलिए हमारे संबंध अच्छे हैं। तो मुझे खुशी है एक जन्म दिवस यहाँ मुझे आने का मौका मिला और मेरी उपस्थिति में राखी सावंत जी ने कहा है और राखी सावंत जी ने तो उनके जन्म दिवस का केक काटा है और इस केक को आप सभी लोगों को बांटा है। तो इसीलिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप अपने भविष्य में और भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाएगी और हमारे फिल्म जगत के लोगों को आनंद देने का काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के पास मैं दोस्तों को खत्म करता हूँ और किसी को बधाई देनी है तो आप लोग कोई दे सकते हैं। हाँ तो राकेश सावंत जी यहाँ अपने जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करेगी। जी सबसे पहले मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि अठावले साहब यहाँ पर आए अपने कीमती समय में और धन्यवाद कहती हूँ सर कि आप आए और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आरपीआई पार्टी में हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं मासूम जी का और हमारे सबका राकेश का सब लोगों का और हम आप आए सर धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया था।
मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर कि अब सब लोग हर जगह फिल्म सिटी बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम मुंबई में भी हमारी फिल्म सिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि मुंबई में जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है सर, मुंबई में भी अच्छी तरह सब लोग शूटिंग कर सकें। तो हमारी भी फिल्म इंडस्ट्री जो यहाँ पे मुंबई में है, फिल्म नगरी, उसको और बेहतर बना दिया जाए, ताकि हम लोग सब लोग मुंबई छोड़ के कहीं और जाए शूटिंग करने के लिए। ये मैं बस रिक्वेस्ट करूँ, अपनी बर्थडे की गिफ्ट मांगूंगी सर से। और हाँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद सर, आप आए, आपकी फैमिली का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहा है, आपका आशीर्वाद। और बहुत हमारे अठावले साहब के साथ में जो पार्टी में मैं जुड़ी हूँ, इसीलिए क्योंकि अठावले साहब जैसे मंत्री कोई है ही नहीं। आधी रात को आप 3 बजे भी कॉल करेंगे तो वो आपका फोन का आंसर जरूर करेंगे। गरीबों के जो नेता है वो सिर्फ एक ही नेता है, वो है हमारे रामदास अठावले जी साहब। इसीलिए मैं गरीबों की पार्टी में हूँ और यहाँ पे ही न्याय मिलता है हर गरीब, इसलिए मैं हमेशा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ सर का। और बस धन्यवाद कहूँगी सर कि आप भी ये फिल्म ज़रूर देखें, पूरे एकदम इतना मतलब हॉरर का बाप है ये फिल्म, जो करोना जितना हॉरर है ना सर, ये विनाश काल में जो एक भूत है वो उससे ज़्यादा हॉरर, जो बहुत ज़्यादा डरावना है। तो हम लोगों ने चुनौती दी है लोगों को कि कोई भी अकेले थिएटर में ये फिल्म बैठ के देखेगा अकेला, उसको 1 लाख रुपये इनाम हो। नहीं देख सकता, इतना हॉरर है फिल्म, कोई नहीं देख सकता, लेकिन सर तो अगर आपने अकेले वो फिल्म देख ली तो सर आपको इनाम है। थैंक यू, धन्यवाद।